और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब आज फिर तुम्हारा भाई मस्त वाली स्ट्रीम करा भाई। जितने लोगों ने स्ट्रीम देखा है भाई, क्या बताऊँ, जो चिपक के बैठे थे, क्योंकि भाई हर गेम इतना इंटेंस गया है ना, पूछो मत भाई। हमने जिगेंस निकाले, ढेर सारे किल करे, फिर कस्टम्स भी खेले, कमेंट्री भी करी भाई, जो मजा आई ना आज स्ट्रीम पे, पूछो मत। तो अगर तुम लोग भी ये मजा मिस नहीं करना चाहते और प्राइस पूल वाले कस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले हो या करना चाहते हो, तो भाई कल आ जाना स्ट्रीम पे, वेलकम है तुम्हारा। तो स्ट्रीम होगी लगभग 1 बजे के आसपास, तो भैया मस्ती करना है मेरे साथ, तो बस आ जाना। तो भैया देखो, अब स्ट्रीम की बात तो हो गई, तो अब बात करते हैं हम लोग जरा सी इस गेम प्ले की। तो देखो, आज तुम्हारे भाई के पास खेलने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि देखो हुआ ये कि स्ट्रीम करके उठा था, सारे लौंडे थक चुके थे, सबने कहा भैया देखो फारोब भाई हो चुका हमारा, कोटा पूरा हो गया, मोबाइल चार्ज करने दो। हमने कहा कर लो यार, हमारा तो आईपैड है, एक दो गेम तो झेल ही लेगा। तो अपन ने लगाया मैच, अकेले खेल रहे थे, दो किल ताड़ दिए थे ठीक है उतरते, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पॉट हो गए थे, तो थोड़ा छुप के बैठे थे। अवेश भाई साहब का ध्यान कहीं और था, और वो बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, मैंने नॉक करा, फिनिशो कर दिया। इनका टीममेट कहाँ था पता नहीं अपने को, बट इतना पता था कि 5 हाउसेस पे बंदे हैं, वहां जाने का प्लान था। जाऊंगा कैसे इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज भाई कोचिंग की है, कोई भी कहीं से भी मार देता है। अब इधर एक नॉक तो निकाला तुम्हारे भाई ने, लेकिन क्या बताएं यार, इसको फिनिश नहीं कर पाया। तो मैंने कहा यार देखो फारो बिड़ू, तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो इधर चुपचाप बैठो कैंप करो और एक एक करके तुम्हारी सारी किल चोरी हो जाएंगी, या फिर रिस्क उठाओ, जाओ बंदे वाले कुछ करो, मर गए तो क्या हुआ, दोबारा जिंदा हो जाएंगे, दो दो लाइफ मिलती है अब तो बीजीएमआई में। अब देखो ये ग्लिच का इस्तेमाल सभी करते हैं, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा मुक्केबाजी करके हवा में ऐसा बिना साउंड दिए हुए बंदे पे स्पेशल अटैक करेंगे या फिर सरप्राइज अटैक करेंगे। भाई इसको पता नहीं कैसे पता चल गया मैं आ रहा हूँ। भाई ये गाड़ी किसने खड़ी करी है यार, ये गाड़ी ना होती तो इजी किल था मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी इजी किल करेंगे, गन से किल नहीं हुई तो क्या हुआ, मौली किस दिन काम आएगा बे। भाई ये बंदा मौली से मर गया यार, ये फूट फूट के रो रहा होगा पता है, तो जो भी उसको मारने और लूटने के बाद हम निकले स्क्वाड हाउस की तरफ, क्योंकि भैया बंदे उधर ही थे, फायरिंग बहुत हो रही थी। हाय कूनी भाई, इनका नाम याद रखना, ये आगे मिलेंगे। अब कूनी भाई तो नोक थे, बट उनका टीममेट बच गया, लेकिन इनका किल मैंने चुरा लिया। पता नहीं क्या किल था कि नहीं था, क्या था पता नहीं, मेरी जेब में गिला, मैं खुश हूँ। तो इस भटूरे को मैंने बचाया, अब मैं जा रहा था अपने खूनी भाई का किल कंफर्म करने, लेकिन थोड़े से हालात बिगड़ से गए, क्योंकि छत पे कोई आ गया। अबे दो बंदे छत पे, तो मैं तो पहले अंदर भागा, फिर बाहर आया, बूस्टर लिया, छत वाले नीचे कूद चुके थे, तो मेरे को लगा ये बढ़िया मौका है थर्ड पार्टी करने का, बट फर्स्ट स्टेप देख रहे हो। अरे रे बैरल है भाई, क्या कर रहे तू। बल खूनी भाई दोबारा नॉक हो चुके थे यार, एक मिनट, खूनी ने कपड़ा चेंज करा गया भाई, पता नहीं जो भी हो। अरे यार ये कौन था बे, कहाँ से मारा मेरे को उसने, एंगल कैसे मिल गया से, वेल क्या कर सकते थे भाई, मरे गए उधर। लेकिन हम वहीं उतरे, क्योंकि बोलते हैं ना मोटी चमड़ी है अपनी। अब उतरते ही देखो हमारे सामने हो गई लड़ाई, एक किल चुरा लिया मैंने यार, होना किसी की तो इतनी खुशी मिलती पूछो मत। अब देखो क्योंकि अपन वीक थे ठीक है, तो डब्बा किसी ने लूटा नहीं था, बहुत दूर से मारा था यार वो बंदा, लूटने नहीं आया था, तो मेरे को मेरी लूट सारी मिल गई, मैं बहुत खुश था। बट मुझे पता था यहाँ पर बंदे हैं, फुटस्टेप क्लियर आ रहे हैं यार, तुम भी सुन रहे होगे, तो मैं इधर थोड़ा कैंप कर रहा था यार, बिकॉज यार देखो अकेला हूँ थोड़ी सी फटती है भाई, साथ में टीममेट हो तो रिवाइव मिल जाता है, बट अकेले हो तो टिकट कट जाता है, तो भाई ये थोड़ा कैंप कर रहे हैं, सामने बंदा है, आज नहीं तो कल कूदेगा ही, कैसे टीपीपी ले रहा भाई, और वो छोड़ो मैं कैसे कैंप कर रहा। अब देखो मैंने इसको नॉक कर दिया था, मुझे पता था इसका टीममेट बहुत ही अग्रेसिवली आएगा मेरे ऊपर, बट भाई वो इधर नहीं आया, वो दूसरी तरफ गया, उसने शायद अपने टीममेट को रिवाइव देना प्रायोरिटाइज करा, और सच बताओ मैं भी यही चाहता था। अब जरा ये देखो,
ऐसे कौन रिवाइव देता है यार? आई थिंक इसका टीममेट शायद ब्लीड आउट बहुत जल्दी हो रहा था, तो इमरजेंसी में उसे जहां बन पड़ा उसने वहां पर रिवाइव दे दिया। अब यहां पर मैं बैठा था उस बंदे की तलाश में जिसने मेरे को मारा था, क्योंकि किल फीड तो अपन बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे, और भाई वापस बजा दिए गए, तो मैं समझ गया उस बंदे को मारना आसान नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा वापस आया, थोड़ा और लूट डूट करी, लेकिन यहाँ पर फिर से बंदे आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा इधर इतने बंदे आ क्यों रहे बे। ओ, ये तो फट गया, दूसरे को रिचोड़ूंगा मैं। अरे 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 भाई जान काला ना। अब देखो इन दोनों को मारने के बाद इनकी मस्त लूट पे मेरा नाम हो गया। ये गाड़ी लेके आए थे पता है, तो इनकी गाड़ी से मैं चर्च तक आ गया। अब मैं यहाँ पर पूरा पोजिंग की स्कैन मार रहा था, मेरे को साला एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी हुई फायरिंग, हमको पता चल गई लोकेशन। लेकिन तभी दिखा एक ऑफलाइन बंदा, पहले उसको नहीं मारा, पहले इनको बजाया, बट यार हेडशॉट नहीं पड़ी और वो बंदा बच गया। वेल मैंने कहा चलो ऑफलाइन बंदे को खत्म ही कर देता हूँ। अब इसको मारने के बाद सामने वालों को समझ में आ गया कि मैं इनको छोड़ूंगा है नहीं, तो ये भागने की कोशिश कर रहे थे, और बस तुम अब देखते जाओ तुम्हारा भाई क्या उतारेगा। इतना गंदा मारा है ना इसको, किसका टीममेट छोड़ के भाग गया, रुका भी नहीं। वेल देखो अब मुझे पता था रुकने से कोई फायदा नहीं, तो अपन ने गाड़ी उठाई और आगे रोजर के पास, तभी चली डीपी। अब देखो आम तौर पे मैं चला जाता यहाँ से, बिकॉज यार ये ओपन इलाके में मैं रुकता नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पर कहीं से भी पड़ जाती है। बट इधर डीपी वाले ने थोड़ी सी यार समझ रहे हो ना चैलेंज कर दिया था अपने को, तो यहाँ पर रुकना पड़ गया। मैंने कहा देखो फारोक भाई हीलेंगे तो यहाँ से तभी जब ये किल हाथ में आ जाएगी, या तो इधर पेटी बनेगी या तो हम पेटी लूटेंगे, दोनों ही केसेस में रिस्क तो बहुत था। अब देखो यहाँ मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुमको शायद पता ना हो कि गलती क्या है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। मैं उसको पुश करने के चक्कर में बहुत आगे आ गया, बट ऐसे सिचुएशन में मैंने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया जो कि ओपन इलाकों में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करती है, व्हीकल। मैं अपनी गाड़ी पीछे छोड़ आया था और अब मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैं फंस गया था, मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मैं गाड़ी वापस लेने जाऊँ या फिर इस बंदे से हेड ऑन फाइट कर लूँ वहाँ पैदल जाके स्मोक करके। गाड़ी लेने गया तो ये मार देगा मेरे को नो डाउट, और स्मोक में गया तो बहुत रिस्क है। मैंने कहा चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भाई एमपी जिंदाबाद, उसको असल मेरा फुटस्टेप नहीं आया वरना शायद ही मेरे को मार देता। अब देखो इसको मैंने लूटा, एटेक्स मिल गया, बट मेरे कोई काम का नहीं था क्योंकि भाई ये WWM तो थी नहीं अपने पास, तो अपन आगे रोजॉक की पहाड़ी थे, और तभी हालात हाथ से निकल गए क्योंकि आगे पीछे चारों तरफ से पड़ने लगी तुम्हारे भाई को। एक तो गिर गया, फिनिश करा, इसका टीममेट आ रहा था बट मेरे को रोजॉक से पड़ने लगी, तो मैं नीचे भागा तो रोजॉक वाले ने मुझे छोड़ के पहाड़ी वाले को मार दिया, और कौन था ये खूनी भाई। सच बता रहा हूँ मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन था, मैंने वहां पर अपना एक किल छोड़ा अपने आप को बचाने के लिए, अगर मैं वहां एक किल के लालच में रुकता ना भाई रोजॉक वाला मेरे को मार देता। अब देखो मैं उनकी गाड़ी उठाया और आ गया कहां पर, पहाड़ी पे, क्योंकि भैया देखो एंड सर्किल यहीं पर ही बन रहा था, देखो मैं एकदम बीचों बीच में हूँ, ये जगह क्लियर लग रही थी मेरे को। मैंने कहा यार बढ़िया है फ्री में पहाड़ी मिल गई, मैं तो सोच के आया था यार लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी मुझे मिला कैंपर, भाई हद खत्म है यार, मेरे को लगा ऑफलाइन है, बट नहीं ये क्या चला रहा भाई, हद खत्म है यार, इतना क्या डर के बैठा है भाई। वेल जो भी हो सामने स्मोक हुआ और स्मोक में बंदा होगा, तो मैंने मार दिया और पीछे से मेरे को पड़ी। अब देखो सामने एक बंदा है और मेरे पीछे पीठ के पीछे से मेरे को हल्का सा फुटस्टेप आया, वहां पर एक और बंदा है, तो मैं उस तरफ नहीं जा सकता, अब मैं फंस गया यार, मैं जाऊं तो जाऊंगा, इसने मेरे को बिल्कुल टीएचपी कर दिया।
मुझे पता था यार कि अगर मैंने अभी फाइट ली तो मैं मर जाऊंगा, बिकॉज वो एक ही चला रहा है, एक हेड काफी है मेरे को मारने के लिए। तो यहाँ मैं स्मोक करके बचने की कोशिश कर रहा था, मेरा कोशिश था कि मैं पीछे चला जाऊँ पहाड़ी के नीचे ताकि हील कर सकूँ। बैड बनी, इसने मेरे को पकड़ लिया। सैड लाइफ।